BCH and convolutional codes. सबसे पहले हम बात करेंगे BCH codes की. BCH codes, ये जो कोड होते हैं ये ज्यादा ये extensive होते हैं देखिए, और powerful होते हैं, यानी कि इनके जो error है उसे correct करने की जो capability होती है वो powerful होती है. error correction जो cyclic codes में, जो डिकोडिंग होती है BCH कोड्स की ये बिल्कुल सिंपल होती है. देखिए BCH कोड्स में जो ब्लॉक लेंथ होगी इसकी वो n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m माइनस 1 के होती है, जबकि इसकी नंबर ऑफ पैरिटी चेक बिट्स जो इज इक्वल टू होती है n माइनस के लेस देन इक्वल टू mt के, और मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2t प्लस 1 के. ये हमारे BCH कोड्स होते हैं. और दूसरे कोड्स जो होते हैं वो होते हैं कन्वोल्यूशनल कोड्स. कन्वोल्यूशनल कोड्स में क्या होगा कि ये जो कोड्स होते हैं इसमें फिक्स नंबर ऑफ इनपुट बिट्स होती हैं, और वो फिक्स नंबर इनपुट बिट्स स्टोर होती हैं फिक्स रजिस्टर्स में, और वो बिट्स जो होती हैं एक दूसरे से कंबाइन होती हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू. वो प्रोसेस होता है मोड टू एडिशन प्रोसेस. उसके थ्रू मोड टू एडिशन यानी एक्सक्लूसिव ओड जिसे बोलते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू ये एक दूसरे से कंबाइन होती हैं. इसमें रजिस्टर्स होते हैं जिसमें बिट्स स्टोर होती हैं. ये जो ऑपरेशन होगा इसमें जो बाइनरी कन्वोल्यूशन होती है जीरोस और वंस की फॉर्म में, इसी वजह से इन्हें कन्वोल्यूशनल कोडिंग बोला जाता है. इसके अकॉर्डिंग इसका हम डायग्राम देखते हैं, कन्वोल्यूशन एनकोडर देखते हैं. देखिए जो के, के मतलब मैसेज बिट्स होंगी, वो हमने इसमें 3 ली हैं, M0, M1, M2 जो कि हमारे रजिस्टर्स हैं बिट्स जिसमें स्टोर होंगी, शिफ्ट रजिस्टर्स हैं. M0 यानी कि फर्स्ट ये वाली बिट, ये हमारी इनिशियल बिट है, यानी जो भी इनपुट जाएगी सबसे पहले M0 फर्स्ट बिट में जाएगी. ये मैसेज बिट इनपुट है, यानी जो भी मैसेज आएगा वो सबसे पहले M0 स्टेट में जाएगा. ठीक है, ये जो बिट होती है M0 बिट, ये करंट मैसेज बिट को रिप्रेजेंट करती है जो कि शिफ्ट रजिस्टर्स का पार्ट होती है. M1 और M2 जो कि प्रीवियस बिट्स को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि प्रीवियस 2 सक्सेसिव मैसेज बिट्स जो कि स्टोर है 2 फ्लिप फ्लॉप्स में. M1 और M2 ये भी हमारे शिफ्ट रजिस्टर्स हैं. ठीक है ना, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मैसेज बिट्स होती हैं वो एक एक करके शिफ्ट होती हैं अपनी पोजीशन से, M0 से M1 पे, M1 से M2 पे. अब हम देखेंगे कि कन्वोल्यूशन कोड्स में ये शिफ्ट कैसे होती हैं. जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो फिक्स रजिस्टर्स होते हैं जो बिट स्टोर होती हैं ये कंबाइन होती हैं मोड टू एडिशन के थ्रू. तो मोड टू एडिशन जब करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास दो V1 और V2 टू वैल्यूज आती हैं. V1 और V2 को कैलकुलेट करने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि इनकी वैल्यूज को जो आउटपुट होती है हमारी कुछ इस तरह से, सबसे पहले M0, M1 और M2, M0, M1 और M2 इनको मोड टू एडिशन की जाती है, जिससे हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी V1. नेक्स्ट है कि जो M0 और M2 को फिर ऐड किया जाए, यानी मोड टू एडिशन की जाती है. पहले M0, M1, M2 तीनों की जाती है, फिर M0 और M2 को की जाती है सिर्फ, जिससे V2 आउटपुट आती है. तो ये 1 by 1, एक पहले V1 से स्विच कनेक्टेड होता है, इसकी आउटपुट आती है, फिर V2 से कनेक्टेड होता है, फिर इसकी आउटपुट आती है. यानी कि जो आउटपुट आती है हमारी V1 जो वो होती है
M0 XOR M1 XOR M2 इन तीनों का मोड 2 एडिशन, और जो V2 आएगी M0 और M2 का मोड 2 एडिशन, यानी X जो वैल्यू आएगी आउटपुट पे वो आएगी पहले V1 की, फिर 2V2 की, फिर V1, फिर V2, फिर V1 V2, इस तरह से सो ऑन वैल्यू आती है। जो स्विच है सबसे पहले सैंपल करता है V1 को और फिर V2 को, इस तरह से हर एक, जब भी एक मैसेज इनपुट आएगी उसी टाइम शिफ्ट होगा और शिफ्ट के अकॉर्डिंग आउटपुट जो V1 और V2 की वैल्यूज हैं उनमें भी चेंजमेंट आएगा। अब हम यही हमारे कन्वोल्यूशनल एनकोडर्स होते हैं। अब देखिए ये वर्क कैसे करते हैं। के मैसेज बिट्स, हमारे पास 3 रजिस्टर्स है तो के मैसेज बिट्स 3 होंगी, क्योंकि एक टाइम में 3 ही रहेंगी। मान लीजिए कि हमारे पास एक डाटा है जो कि है 1101 का। अब इसका हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। इनिशियल वैल्यू क्या है, जब हमने इस डाटा को मैसेज बिट इनपुट्स को इनपुट पे प्रोवाइड नहीं किया तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, 000। रजिस्टर्स की इनिशियल वैल्यू 000 रहेगी। अगर इन तीनों की इनिशियल वैल्यू 000 है तो आउटपुट क्या आएगी, V1 is equal to है M0 XOR M1 XOR M2, 0 XOR 0, 0 XOR 0 यानी 0, और V2 की वैल्यू है M0 XOR M2 यानी कि M0 M2 इन दोनों का XOR 0 XOR 0 0, यानी इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी V1 और V2 की 0, आउटपुट 0 ही रही है हमारी, ठीक है ना। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं कि जो मैसेज बिट इनपुट आने लग गई है, ठीक है ना, इनपुट आ रही है मतलब कि ये डाटा जाएगा, यानी 1 सबसे पहले 1 जाएगा M0 में, ये वाला 1 गया M0 में, M0 में ये वाला 1 गया, लेकिन स्टिल M1 और M2 अभी भी 00 ही हैं, एक बिट जा रही है, ठीक है ना, M1 और M2 00 ही हैं। तो अब V1 और V2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पहले स्विच V1 से कनेक्टेड था तो अब क्या हुआ, 1 XOR 0 1, 1 XOR 0 1, यानी V1 की वैल्यू आ गई 1। अब V2 से कनेक्टेड होगा V2, M0 XOR M2, M0 XOR M2 यानी 1 XOR 0 यानी 1, वैल्यू आ गई V1 और V2 की 1 1, ठीक है ना, यानी कि M0 में यहां से 1 आया, यहां पे 00 आया, तो V1 V2 की वैल्यू 1 1 आ गई। किस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से। सेम ऐसे ही अब क्या हुआ, अब दूसरी बिट आई, दूसरी बिट कौन सी है, 0। अब जब ये बिट M0 में जाएगी तो ये बिट क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, M0 से M1 में चली जाएगी, और M1 की बिट जो 0 थी वो M2 में चली जाएगी, और जो M2 में 0 थी वो बाहर आ जाएगी। 1 क्या होगा, M0 बिट जो कि 1 थी वो M1 में गई, M1 की 0 थी वो M2 में चली गई, M2 की बाहर आ गई। ये जो बिट बाहर आती है ये डिस्कार्ड बिट होती है, ठीक है ना, ये बिट डिस्कार्ड बिट है, इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब क्या है, अब हमारे पास क्या बिट्स आई हैं, अब आई हैं ये 0 आया M0 में, 1 यहाँ पे चला गया और 0 यहाँ पे चला गया, 010 010। तो V1 क्या होगा इन तीनों का, 01 1 1 0 1 1, M0, M2, V2 के लिए 000, ये इसकी वैल्यू आई है। सेम दूसरा स्टेप फॉलो होगा, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट बिट आएगी 1 1 जाएगी M0 में, जब M0 में 1 जाएगी तो ये वाली बिट शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगी और ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगी, यानी 0 शिफ्ट हो गई M0 की वैल्यू जो बिट थी M1 में, यानी कि, और ये जो 1 है ये शिफ्ट हो गया M2 में, M2 में 0 था तो ये बाहर आ जाएगा और डिस्कार्ड बिट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास आएगी वो आएगी, 1 आया ना यहाँ पे, 1 ये 0 यहाँ चला गया, ये 1 यहाँ चला गया और ये 0 बाहर चला गया, 101 101। इनको ये वाला फॉर्मूला सेम, 1 XOR 0 1 1 XOR 1 0 और 1 1 0। ये क्या है, ये एक्सक्लूसिव ओर ऑपरेशन है, ठीक है ना, जो उसका टेबल है वो ही। सेम
फिर से वही प्रोसेस, नेक्स्ट वन आएगी, नेक्स्ट वन आई तो ये वन यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये जीरो यहां शिफ्ट हो जाएगा और वन बाहर चला जाएगा, ठीक है। वन वन जीरो, वन वन जीरो आई तो सेम जीरो और वन वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए क्या प्रोसेस होगा कि नेक्स्ट बिट कुछ नहीं है तो अब यहां पे जीरो एज्यूम होगा, यानी अब ये वन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये जीरो बाहर निकल जाएगा और यहां पे जीरो ही आएगा क्योंकि पीछे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो क्या आएगा, जीरो वन वन तो वैल्यू जीरो और वन आएगी, सेम वही एम जीरो एक्सोर एम वन एक्सोर एम टू इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब एक अगर एक और शिफ्ट देखिए, ये जो कन्वोल्यूशनल कोड्स होते हैं ये लास्ट बिट तक एनकोडिंग करते हैं, फिर क्या होगा, जीरो जीरो वन, ठीक है ना, यहाँ पे फिर से जीरो कोई बिट नहीं है, फिर जीरो आ जाएगा, ये जीरो यहाँ चला जाएगा, ये वन यहाँ चला जाएगा तो वन वन आ जाएगा, ठीक है ना। सेम जीरो 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 फिर जीरो जीरो, सेम यही प्रोसेस ये वाला रिपीट हो गया। तो इस तरह से हमारे कन्वोल्यूशन कोड्स होते हैं। ये जो कोड्स होते हैं इनका काम क्या होता है, एक सीक्रेट मैसेज को रिप्रेजेंट करना, ये भी ये काम करते हैं। देखिए पहला शिफ्ट जो कि M0 में से आता है, फिर M1, फिर M2, इस तरह से चलती हैं ये, सेकंड शिफ्ट M1, थर्ड शिफ्ट M2, इस तरह से। तो V1 और V2 हमारे पास सक्सेसिव शिफ्ट्स की वैल्यू आती है, V1 और V2 की वैल्यू हर टाइम चेंज होती है। देखिए इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो लेंथ है K, वो कितनी है, K is equal to 3 है, ठीक है ना, K is equal to 3 है। ये करेगा कि सिंगल मैसेज बिट में क्या होता है कि जो आउटपुट आती है तीनों सक्सेसिव शिफ्ट की, वो अलग अलग आएगी। तो अलग अलग फोर्थ शिफ्ट्स हो रहे हैं ना, अलग अलग शिफ्ट्स हो रहे हैं, एक यहाँ पे आ रही है, फिर यहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसका इस तरह से चल रही है। तो ये जो लास्ट बिट आती है बाहर, ठीक है ना, ये जो बिट बाहर आएगी, यहां से ये वाली बिट बाहर आएगी, यहां से ये, यहां से ये जो बिट्स बाहर आती हैं, लास्ट वाली बिट्स, ये बिट्स क्या हो जाती हैं, मैसेज बिट लॉस हो जाती हैं। इन बिट्स का आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ये बिट्स आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है। ये हमारे कन्वोल्यूशनल कोड्स होते हैं। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है, इसके बाद इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लेफ्ट है, जिसमें कोड ट्री और जो इसका ट्रेलिसिस डायग्राम है, स्टेट डायग्राम है, ये सब कुछ, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक्स में वन बाय वन करेंगे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।